हेलो साथियों, मैं नंद बांस स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हाफ प्राइस डबल द बेनिफिट, जी हां, मंथ एंड ऑफर जो चल रहा है अप टू 6 मंथ का ये ऑफर चल रहा है। और वैलिडिटी जो है ऑफ ऑन ऑल महापैक, तो टेस्ट पैक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप store.adda247 पे जाइए। जो भी कोर्सेस हैं वो सारे के सारे जो है डबल बेनिफिट होगा और अब आपको मिलेगा बहुत ही शानदार और बहुत ही सुहाना ऑफर। ठीक है, तो बस क्या करना है, आपको जाना है store.adda247.com पर और आपका जो भी मनपसंदा कोर्स है जाइए, चाहे सुपरटोट है, चाहे KBS हो, चाहे सीटेट हो, या बैंक हो, या कोई भी हो, सभी आप ले सकते हैं। सभी समय धूम मचा रहे हैं। तो आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, आज आपके सामने का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेद और उपनिषद के बारे में। जी हां, आप कहोगे सर आखिर ये टॉपिक क्यों ले आए आप आखिर वेद और उपनिषद के बारे में, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं इस समय आपको घरों पे भी बैठकर रामायण दिखाई जा रही है। जी हां, आपने सही पहचाना, इस समय बैठ के घरों पे भी आपको रामायण और उपनिषद, महाभारत, ये सारे आपके प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं, लॉन्च कर दिए, ताकि घर बैठे आप अच्छे व्यक्ति बनो। ठीक है, और कोई बुराई नहीं है इसमें, सारा सब कुछ अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें सीखनी और समझनी चाहिए। ठीक है, तो आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है, आपको जाना है और देखना है। ठीक है, बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर, तो बहुत खतरनाक है। WHO ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि किस तरीके से आप बच सकते हैं, और साथ में ऊपर आप देखिए लिखा है ये हमारा डिस्काउंट कोड। जी हाँ, अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो उस कोर्स के लिए आप डिस्काउंट के रूप में आप Y221 इस कोड का यूज करिए और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, अच्छा खासा डिस्काउंट। बात करते हैं आज का विचार, आज का विचार क्या है आप समझिए। नवरात्र चल रहा है, छठा दिन है, जी हाँ, कात्यायनी की पूजा होती है। हे माँ तुमसे विश्वास ना उठने देना, हे माँ तुमसे विश्वास ना उठने देना, तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं, बन के रोशनी तुम राह दिखाना, हे माँ मुझे अपना बना लेना। तो हैप्पी नवरात्रि। जी हाँ, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करेंगे, विश्वास करेंगे कि जल्दी ही माता रानी सबका भला करेंगी, पूरे विश्व का कल्याण करेंगी। और माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने सलूशन निकाल रखा होगा। ठीक है, हाथ धोया करो, उन्होंने सलूशन दिया है कि अच्छे से हाथ धोया करो, है ना। हाँ, बात करते हैं वेद के बारे में, आपके सामने अथर्ववेद से लेकर ऋग्वेद, ये सारा ज्ञान हम देंगे। लेकिन यहां पर आपको पता है कि ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे होती है, अलग अलग टॉपिक लेके आते हैं, अलग अलग आपको नॉलेज देते हैं। लेकिन अगर सुपर टेट का पूरा पैक आपको करना है, सारी क्लासेस करनी है, तो आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। जी हाँ, वहां पर हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है, सारा A to Z कराते हैं, पर यहां पर भी हम आपको करा रहे हैं। तो यहां पे जितना हम करा रहे हैं, तो इसके बारे में जरा समझते हैं क्या हम आपको करा रहे हैं। तो देखते हैं वेद के बारे में क्या लिखा है। सतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार, सतपथ ब्राह्मण जो है उस श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य, आदित्य कौन होते हैं भाई, आदित्य को समझते हो ना, आदित्य कौन है, तो आदित्य का मतलब जो होता है वो सूर्य होते हैं। ठीक है, तो वायु आदित्य अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम तीन वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य यानी आदित्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है, जो अंगिरा ऋषि हैं उनसे उत्पन्न माना जाता है, ऐसा माना जाता है। अब हम उस समय पैदा तो हुए नहीं थे कि हम आपको बता दे और आपको नहीं सर जी आप सही डाटा दे रहे हो, बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना। तो हम पैदा तो हुए नहीं थे, लेकिन ऐसा लिखा गया तो हम आपको बता रहे हैं। एक ग्रंथ ये भी कहता है कि ब्रह्मा जी के चार मुखों से, मतलब जो ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं ना, समझो इधर उधर चारों तरफ होते हैं, ठीक है, तो चार मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम, जैसे होता है ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, तो नाम वेदों पे रखा जाना स्वाभाविक है ना। हम कोई भी नाम रखते हैं, पिंकू, उंकू, चिंकू, तो ये तो नहीं है वेद में, पर जैसे हम लोग रखते हैं रामायण, है ना, या हम रखते हैं राम, लखन, है ना, शकुंतला, केकई, है ना, इस तरीके से भागीरथी, तो ये अक्सर हमें मतलब मिल जाते हैं।
जैसे आज भी रामायण और महाभारत है ना, तो आप देख ही रहे हो रामायण जो है भैया सवेरे 9 बजे और रात को 9 बजे, और महाभारत दिन में 12 बजे और शाम को 7 बजे। देखो हम आपको ज्ञान भी दे रहे हैं, आप समझा करो। क्लास अगर पसंद आए करे तो उसे आगे पता ही है भाई। क्वेश्चन भी आ गए तो क्वेश्चन भी हम लेके आए। हमने आपको पहले ही कहा था ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक होगा क्वेश्चन भी होगा। तो आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो आर का मतलब होता है आर, और आर में जोड़ दो अनार, तो एक होता है आर और एक होता है अनार। अनार का मतलब होता है असुर, दुष्ट, देव, दानव, है ना, और आर का मतलब होता है अच्छा पुरुष। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर का मतलब श्रेष्ठ। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग देखते होंगे कि कहा जाता है आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, यानी श्रेष्ठ है, कुलीन है। अब श्रेष्ठ और कुलीन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी, समझो जो कुछ लोग की सही नहीं है ना, तो उसको मैं सही कर दूं कि कुछ लोगों ने सोच रखा है कि आर्य मतलब हम पैदा हो गए, ये हो गए तो श्रेष्ठ हो गए। नहीं, पैदा होने से आप श्रेष्ठ नहीं होते हो, कर्मों से श्रेष्ठ होते हो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप श्रेष्ठ होगे, ठीक है जी हाँ। तो पहले क्वेश्चन का बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब चुना है, वो है आपका बी। अगला, वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है, मतलब रिटेन में जो हमें है वो यही मिलता है। इस वजह से वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे, देखिए क्या लिखा है, भारत में पुणे, तो ये याद रखने वाले पॉइंट है, भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई हैं। कहाँ पर रखी गई हैं? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई हैं। इनमें से ऋग्वेद की जो 30 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं, ये पेपर में आने की प्रबल संभावना है। क्यों? क्योंकि इनको जो है यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वह ऋग्वेद की कितनी पांडुलिपियों को यूनेस्को के द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो आप कहोगे 30। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की, यानी इसके बीच की जो है आज से 1800 है ना पीछे, 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की 158 सूची में, जो 158 सूची में भारत की जो महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची कितनी है, 38 है। वेदों के कुछ उपवेद भी हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गधन गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ठीक है। ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमने आपसे पूछा और पेपर वाले ने भी कहा कि आप ये बताओ गंधर्व वेद किसका उपवेद है। क्वेश्चन समझिए, गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो आप कहोगे सर जी आपने पढ़ाया था, ये तो सामवेद का है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा। देखो समझो, आपको इसमें हम कुछ थ्योरी भी देते हैं, कुछ क्वेश्चन भी देते हैं, जब आप पेड क्लास में आते हो तो वहां पर और भी हम सब चीजें देते हैं, ठीक है, कारण आप लोग समझते ही होंगे, है ना। देखो, और आप में से कुछ लोग जो बड़ा ज्ञान देते हैं कि आपने कितना डोनेशन दिया, ये कितना डोनेशन दिया, ये किया हुआ, आपको पता है सुपर टेट या केवीएस ये सारे पैक पहले बहुत महंगे थे, 3-4 हज़ार का, इस समय क्या कर दिया गया है, 500, 600, 100, 200, क्यों किया गया है? आखिर ये भी तो एक प्रकार का दान है, ये भी तो एक प्रकार का दान है कि आप घर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी कहीं बाहर अगर नहीं जा पा रहे, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो घर बैठ के ही तुम कर रहे हैं, तो इसको भी सोचो, आप पॉजिटिव सोचा करो, है ना। वेद के विभाग जो हैं वो चार हैं, ठीक है, तो वेद के विभाग चार कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको आप अगर हम बात करें तो इसको याद भी करना है, ठीक है, तो रशिया से याद करिएगा। अगर इनका क्रम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है क्रम क्या है, सबसे पहले कौन सा है, तो आप कहोगे रशिया, क्या कहोगे, रशिया, रसिया का मतलब हो गया रसिया मन बसिया, रसिया मन बसिया। पहला हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, पहला क्या हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। बात करें ऋग का मतलब होता है स्थिति, यजुर का मतलब जैसे आगे वाला है ना, वेद तो सब में है, यजुर का मतलब होता है रूपांतरण,
साम का मतलब होता है गतिशील और अथर्व का मतलब होता है जड़। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। शायद ही ऐसा कोई, मतलब हम ये नहीं कहेंगे टीचर नहीं होगा, शायद ही ऐसी कोई क्लास होगी जहां पर आपको इसका भी मतलब बताया गया हो, ठीक है। कहीं भी नहीं है, आप देख लो, है ना। तो ऋग्वेद को स्थिति, यजु को रूपांतरण, साम को गतिशील, अथर्व को जड़। सारे टीचर बस कह देते वेद चार है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, बात खत्म, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं, ऋग्वेद में क्या है, श्लोक है, ठीक है, श्लोक है, ऋचाएं हैं। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जो है यज्ञ से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में है, यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है, याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। अगर सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद जो है इसे कहा जाता है संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। पेपर में क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक किसे है, तो सामवेद को कहा जाता है। और एक सामवेद में ऋग्वेद की ही जो रचनाएं हैं काफी कुछ मिलती हैं, ठीक है। और अथर्ववेद जो है वो जादू टोना टुटके इन सबसे भरा पड़ा है। अब देखते हैं, ऋग को हम लोग धर्म से जोड़ते हैं, यजु को हम लोग मोक्ष से जोड़ते हैं। जैसे होता है ना, कोई मरने के बाद या जीने के बाद कोई जीते जीते यज्ञ कराता है, तो वो किस लिए, मोक्ष के काम के। साम का मतलब होता है काम और अथर्व का मतलब होता है अर्थ से भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। आप समझिए, जब कोई चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, विदाउट एनी रीज़न कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आज कोरोना है तो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जब कोरोना फैला चीन से और भारत में जब आया, तो उसका रीज़न है कि भारत के जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो उतनी उस समय मतलब स्ट्रांग नहीं थी। इन लोगों ने बिल्कुल हल्के से लिया, गलत ना कहें तो बिल्कुल लापरवाह। यहाँ के जो नेता मंत्री जो भी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, सब के सब केवल और केवल बातें छोकते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर इन्होंने पहले ही स्टेप पर बाहर से आने वाले लोगों को रोक दिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। आप कहोगे सर आप तो अपोजिट हो रहे हो, जरा ध्यान से समझिए। यही चीज़ें हैं, आप बगल में चले जाओ, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर क्यों नहीं है, वहाँ के भी तो लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा और उन्होंने उसको पहले ही ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा भाई आप मत आओ, आप अपने शौक के लिए गए थे घूमने, आप मत आओ। तो यहाँ पर वही है, जब ऋग्वेद हुआ तो उसका एक कारण था धर्म को लेकर, यजुर्वेद की रचना की गई किसको लेकर, मुझ को लेकर, सामवेद की रचना काम को लेकर, अथर्ववेद की रचना अर्थ को लेकर, जादू टोना टुटकों को लेकर। तो बात समझ में आई, तो ये चीजें कुछ होती हैं। आगे ऋग्वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन आ रहा है। आप कहोगे अजीब सा है, इसीलिए हमने बताया। तो ये क्या होता है, जैसे ही हम कहीं पे तर्क करते हैं, कहीं हम अगर सही ओपिनियन देते हैं तो लोग हमको विरोधी समझते हैं, पर विरोधी नहीं। अगर जो चीज़ गलत है तो गलत कहना पड़ेगा, है ना, आप समझिए। ऐसा थोड़ी कि 100 लोग उसी चीज़ को कह रहे हैं तो सही नहीं होता है, सही चीज़ सही होती है और गलत चीज़ गलत होती है। तो सेकंड का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर आपके सामने डबल जो है हाफ प्राइस डबल द बेनिफिट, यानी कि मंथ एंड ऑफर चल रहा है, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है सारे महापैक्स और टेस्ट पैक्स पे। तो आपको लगता है तो store.adda247.com पे आपको जाना है और जाके आपको जो भी पैक लगे, वो KVS का हो, सुपर टेट का हो, किसी का आप ले सकते हैं, और साथ में आप यूज कर सकते हैं Y221 कोड, ठीक है। अब आते हैं चारों वेदों के बारे में समझते हैं। कह रहा है ऋग्वेद, ऋग का अर्थ होता है स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो कि पद्यात्मक है, ठीक है, पद में है। इसके 10 मंडल हैं, याद रखिए कितने हैं, 10। यहां पर एक बात और याद रखना है कि 10 मंडल जो हैं ये तो है पेपर में, लेकिन आपके पेपर में ये नहीं आता है। आपके पेपर में आता है 9, यानी नवीन कौन से हैं और पुराने कौन से हैं। तो आप याद रखेंगे पहला और 10वां, ये आपका नया है, यानी कि 2 से लेकर 9 तक। फिर से समझिए, 2 से लेकर 9 तक, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, ये 2 से लेकर जो 9 तक का था ये आपके प्राचीन है, और पहला और 10वां जो है नया है, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। और हमेशा जब बाद में कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है, इस बात को आप समझिए।
इस बात को आप क्या करिए, अर्थ को समझिए। तो दो से लेके नौ जो हैं पुराने हैं, जबकि पहला और दसवां आपका नया है। अगर हम बात करें सूक्त के बारे में तो 1028 सूक्त हैं, 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की पांच शाखाएं कौन कौन सी, शाकाल, वाष्कल, अश्वालयन, सांख्यायन, मंडुकायन। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है भूले भटके, आपको याद रखना चाहिए, या नहीं रखते हैं कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ, देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन, भाई कौन सा उनको पोजीशन है, वो मतलब क्या है, दरोगा है, डीएसपी हैं, डीआईजी हैं, है ना, सब होता है ना, जैसे कि मानो कि सबका एक होता है, जैसे अपने यहाँ राजा के रूप में प्रधानमंत्री हैं, तो वैसे ही देवताओं में क्या है, इंद्र हैं, तो ऐसा सबका वहाँ पे मतलब डिवीजन है कि कौन किसको क्या मतलब पोजीशन प्राप्त है, समझो, है ना। तो अच्छा ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट आपको लिंक जोड़ के समझाता हूँ, इसी तरह की से इतिहास पढ़ने पे हमें समझ में आता है। फिर देवलोक में उनकी स्थिति, इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आदि भी, ऐसा भी बताया गया कि किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम हो गया हो, जैसे कि आप का माइंड फ्रेश नहीं है, कुछ नहीं है, तो साफ सफाई रखिए, जल चिकित्सा है ना, अगर आप कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे तो वायु चिकित्सा मतलब हवा में घूमिए, है ना, जब आप अगर कमजोर वमजोर हो गए तो सौर चिकित्सा यानी कि धूप में बैठिए, इसी तरीके से है ना। ऋग्वेद के दसवें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है और पेपर में आने की संभावना भी है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जो मंडल है जिसमें कि दवाओं के बारे में जिक्र बनता है ऋग्वेद के, तो आप कहोगे कि सर वो दसवां मंडल है, आपने पढ़ाया था, है ना, इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर प्राप्त होती है। औषधि में सोम को विशेष वर्णन है, ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। च्यवन ऋषि से याद आ रहा होगा च्यवनप्राश, है ना, अब आपके च्यवनप्राश में सोना है, चांदी है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है, अब तो शैम्पू में भी आने लगा है, तो कुल मिला के जो औषधियाँ होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि नेचर के साथ रहें, प्रकृति के साथ रहें। अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे कुछ भी हैं, तो नीम की जो पत्तियाँ होती है ना, नीम का पेड़, तो नीम की पत्तियों को आप क्या करें, बॉयल कर ले पानी में, और नीम की पत्तियों को उबालने पर उसका सेवन भी कर सकते हैं, उससे आप चेहरा धुलिए, आपके चेहरे में निखार आएगा। तो ये है प्रकृति के साथ रहने का साहस, यानी कि आपके राज, ठीक है। तो आपको हमने फ्री फंड में आपको एक दे दिया हमने ना ब्यूटी टिप्स, तो इसको भी आप अपनाइए, है ना। कोरोना वायरस को लेकर कितना खतरनाक है, देखिए हमारे में क्या है कि चीज़ें क्या होती, धीरे धीरे समझदार होती हैं। पहले क्या था, जैसे कि भारत की सभ्यता क्यों अच्छी है, हमारी संस्कृति क्यों अच्छी है, उसका कारण है। अब उसको हमको किसी विशेष जाति संप्रदाय से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कुछ इस समय पोस्ट चल रहा है कि विशेष धर्म के लोग ही साफ सफाई रखते हैं, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। सभी धर्म के लोग, जो भारत में जितने लोग हैं वो सभी धर्म के कोई भी हो, सभी साफ सफाई रखते हैं। हाँ, कुछ नहीं रखते तो उन्हें हमें जागरूक करने की आवश्यकता है, पर यह कहना किसी विशेष धर्म में या किसी विशेष का अधिकार है, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि जिस विशेष धर्म में देखते हो उस विशेष धर्म में कुछ और भी चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पे कोरोना वायरस इसी कारण आया है। भारत में आप खाते पीते या कहीं बाहर से आते तो हाथ अच्छे से हम लोग धोते हैं, इस तरह हाथ पैर धोते हैं, है ना, अगर मान लो बाहर से हम लोग आए हैं ताकि कुछ वायरस जम्स ना हो। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में तो ऐसा होता नहीं है। आप देखो भारत में क्या होता है, अगर आप लोटा लेके गए हो तो पानी का यूज करते हो, लेकिन बाहर क्या है, वहाँ पे कागज़ का यूज कर लेते हैं या टिश्यू पेपर का, तो पेपर के लिए लड़ाई हो गई, जर्मनी में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी सभ्यता या कोई भी चीज़ जो किसी भी सभ्यता से हो, जो किसी भी देश की हो, अगर वो अच्छी हो तो अपनानी चाहिए, अगर वो खराब हो तो उसे हमें त्यागना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो कोरोना क्या, कोई भी वायरस कभी भी नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आ सकता। यजुर्वेद का अर्थ यत प्लस जू यानी यजु होता है, यत का अर्थ होता है गतिशील और जू का अर्थ होता है आकाश। आकाश में आप देखते हो हमेशा बादल चलते रहते हैं ना। इसके अलावा कर्म की प्रेरणा, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां, है ना, प्रयोग किए जाने वाले मंत्र, यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान भी दिया गया है, ठीक है। ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान है। यह वेद गद्यमय है, गद्यमय का मतलब हो गया कि गाने योग्य है, तो गद्य और पद दोनों में हो गया। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल, ठीक है। तो देखो कृष्ण और शुक्ल, तो याद रखना कृष्ण जो है वैनसांप्यन
जो वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है, कृष्ण की चार शाखाएं हैं वो आगे पढ़ेंगे। शुक्ल जो है याज्ञवल्क, तो बस यही आता है, कृष्ण जो है वैशंपन और शुक्ल जो है याज्ञवल्क, इसमें क्या है दो शाखाएं, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा दिव्य वेद और कृषि विज्ञान का भी इसमें विशेष महत्व है। अब आगे, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका सुलभ सूत्र। क्या है आपका, तो कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर होगा सुलभ सूत्र। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सुलभ सूत्र होगा, तीसरे का आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यानी कि आगे सामवेद, शाम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है, यानी कि देखो संगीत और रूपांतरण, तो संगीत का मतलब होता है गाने से, अर्थात संगीत है ना, तो आप कह सकते हो इंडियन म्यूजिक का जो फादर है वो सामवेद को कहा जाता है। सौम्यता और उपासना, इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है, ठीक है, किसको माना जाता है, संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जो सामवेद है वो पूरा का पूरा आपका ऋग्वेद का कॉपी है, कुछ को छोड़कर, है ना। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र है। इसमें तीन शाखाएं हैं और 75 यानी कि श्लोक से ऋचाएं हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, फोर्थ नंबर है, मुझे लगता है बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग बता दोगे। हाँ बिल्कुल सही, आप लोगों ने चूज किया, आप लोग का सही आंसर आ रहा है ऋग्वेद। तो अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हमने आपको पढ़ाया ऋग्वेद, हमने आपको पढ़ाया यजुर्वेद, हमने पढ़ाया सामवेद। अब आते हैं जादू टोना टुटका, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आपके अंधविश्वासी बहुत लोग हैं, है ना, भारत में अंधविश्वास की कमी नहीं है। मान लो कुछ हो जाता है तो लाल कपड़ा बांध लेंगे, काला कपड़ा बांध लेंगे, गले में कुछ लटका लेंगे, कुछ लटका लेंगे। क्या है कि कभी कभी हमको मतलब होता है, हम अब यहाँ पर एक होता है अंधविश्वास और एक होता है पॉजिटिव पावर, तो उसको समझने की आवश्यकता है। देखो होता क्या है कि जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, इसी तरीके से पृथ्वी में पाए जाने वाले कुछ भी, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो नॉर्मली तौर पर उनसे कुछ ऐसी रेस निकलती हैं या उनके साथ संपर्क आने पर, जैसे दो कंपाउंड होते हैं संपर्क आने पर कुछ बनाते हैं, तो इसी तरह अथर्ववेद में है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया, पर हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हमें ज़्यादा जादू टोना टुटको या अंधविश्वास से बचना चाहिए, है ना। अगर आपको कोई भी फीवर हो या कुछ भी हो इस तरीके से हो, तो मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए, है ना। तो भारत में अब इसका उल्टा ही है ना, लोग कहाँ, तो लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर पता नहीं कहाँ कहाँ चर्च वर्च के सामने जाते हैं कि भाई हमारा सही हो जाए, लड़का हमारा ये हो जाए, पर वहाँ पर आपका हो सकता है कि मे बी, पर वो एक अंधविश्वास है। आपके साथ कुछ होता है तो आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए। देखिए जो आज के समय में वेद है ना, जो यानी कि जो वैद होते हैं ना, वो आप लोगों ने देखा होगा, चाहे मंदिर जाते हो चाहे मस्जिद कुछ भी, तो वहाँ पे आप गए तो वो क्या करते हैं, पानी दे देते हैं या कुछ ऐसे दे देते हैं, भभूति या कुछ भी, तो आपको लगता है यार ये यार बहुत हैं, ये तो देखो चमत्कारी है। ऐसा नहीं है, उनके पास हो सकता है कि आपको उसने देखा और देखा यार शरीर गर्म है, यानी इसका मतलब इसको फीवर है, तो उसने दूसरा वाला भभूति था या जो पीला टाइप का था काला, उसको मिक्स किया और दे दिया, तुमने क्या पानी में पी गए, ठीक हो गए। वही जो भभूति या वो जो दवा है इस समय आपको हॉस्पिटल्स में मिल रहा है, पर अब क्या है, क्योंकि पहले का समय रहा नहीं, पहले के ऋषि वगैरह सब रहे नहीं, पहले के अच्छे लोग अब कम हो गए हैं, तो अब अगर आप ऐसी जगह जाओगे तो आपका नुकसान होगा, है ना। तो थोड़ा हमें बचना चाहिए और इस समय सही जगह हमें सही सलाह और सही उपचार करना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऋग्वेद अथर्ववेद क्या है ये आपको मतलब इसी से, और अथर्ववेद के बारे में हम कहानी सुनाते हैं, हमने भी पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत। देखो हम हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। महादेव सीधे लाता था, आपने भी देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखो ये सब देखते हैं, इनकी भाषा, बात करने का तरीका, ये सब बहुत मतलब अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो महादेव ने क्या कहा कि जो तीन वेद हो गए, इसके बाद से कहा कि इनसे काम नहीं चलेगा, एक ऐसा भी समय आएगा कि लोग क्या होंगे, कुछ चीज़ों को बिल्कुल ये समझेंगे कि मेरा लकी है, तो वो जब स्थिति आएगी तो उसे कहेंगे अंधविश्वास, जादू टोना टुटका। तो ये जो ऐसा भी कहा जाता है कि आप चार दिशाओं में से एक दिशा खराब मानी गई है,
वो सभी धर्म में। तो महादेव ने उसी दिशा में बैठकर इसकी रचना की थी, और ऐसा भी कहा जाता है इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। ठीक है जी हाँ, आगे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे लगता है आप आराम से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। जी हाँ बिल्कुल बताइए। तो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। याद रखना VBAU, कैसे याद रखोगे, VBAU, यानी कि पहले हो गया वेद, फिर हो गया ब्राह्मण, फिर हो गया आरण्यक और फिर हो गया उपनिषद। वेद तो आप जानते हो, ब्राह्मण जानते ही हो जो उनको पढ़े, और आरण्य मतलब होता है जंगलों में जाके उन्होंने रचना की कुछ और लोगों ने, और फिर उपनिषद। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझिए, ज्ञान का विकास तब होता है जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं और चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं। कोई भी किसी तरीके से, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर आपको बोलता है कि ये पेपर में आएगा, कुछ ये होगा, ठीक है आप विश्वास कीजिए, पर आप एक बार, आपका भी फर्ज बनता है कि पुराने जो पेपर हैं उनको उठा के देखो, है ना, कि ऐसा तो नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं ये और पेपर में पूछा गया कुछ और, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो किसी पर विश्वास करने से पहले चीज़ों को तर्क कीजिए, जितना आप लोग तर्क करोगे ना आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो सही आंसर है आपका पहला, यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दो डॉक्टर राधाकृष्ण, जैसा कि पता है इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, पर हम आपको बाद में कभी बताएंगे कि इनके मतलब जन्म दिवस पर ही टीचर्स डे मनाते हैं, पर इन्होंने किसी की थीसिस चोरी की थी, ऐसा भी कुछ है, बताएंगे कभी। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने उपनिषद के बारे में परिभाषा दी है, क्योंकि अब उपनिषद देखते हैं। तो उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति इन्होंने उप यानी निकट और नी मतलब नीचे और शद मतलब बैठो, कि तुम मेरे पास आओ लेकिन तुम मेरे साथ मत बैठो, तुम मेरे नीचे बैठो। जैसे टीचर्स होते हैं आप देखते हो थोड़ा सा ऊपर बैठ के पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स होते हैं नीचे, है ना। अब यहाँ पर हमें गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए, आप समझो कि जब कोई देता है तो देने वाला हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला हमेशा नीचे होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कभी भी देने और लेने वाले के बीच में चीज़ें नहीं सही होंगी, बात समझ में आया। तो इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल अपने गुरु के निकट बैठते थे। उपनिषदों का दर्शन वेदांत भी कहलाता है, क्या कहलाता है, वेदांत। अगर आपको याद हो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, उन्होंने वेदांतो यानी कि वेदों का अध्ययन करके यही कहा था। वेदांत भी कहलाता है, जिसका अर्थ होता है वेदों का अंत यानी उनकी परिपूर्ति। वेदों को समझो, जानो, वेदों के आगे भी कहानी है। ऐसा मत सोचो कि वेद में जितना लिख गया है उतना ही होना है, बिल्कुल नहीं, उसके आगे भी है। इनमें मुख्यतः ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है ना, जैसे कि भाई मेरे पैदा होने के बाद तो मैं आज देख रहा हूँ, अपने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, सब लोग से पूछता हूँ, तो पता चलता है कि जब से भारत आज़ाद हुआ या इतना हुआ तो इतने दिन के लिए लॉकडाउन जैसी नामक स्थिति नहीं आई, इतने दिनों के लिए लोग मतलब घरों में कैद नहीं हुए। तो जब उस समय था तो जब कैद नहीं हुए तो कैसे होगा, हमने सोचा नहीं था, पर वर्तमान में सरकार अच्छे प्रयास कर रही है, घर बैठे भी सुविधाएं दे रही है। हो सकता है कि सुविधाएं पूरी ना हो लेकिन कर तो रही है। तो हमारे सामने समस्या आई ना, समस्या आई हमने उसको टैकल किया, इस तरीके से जाने। जैसे क्या था, पहले हम बैठ के गुड़गांव में पढ़ाते थे, ऑफिस में था, क्लास लेते थे, पर अब क्या हुआ कि सब शटडाउन हो गया, सारा ऑफिस बंद हो गया, तो अब सबको घर से क्लास लेनी पड़ रही है। क्या हमने कभी ऐसा सोचा था कि टीचर सड्डा की टीम जो अपने घरों से ऐसी क्लास लेगी, नहीं सोचा था ना। समस्या आई ना, जब समस्या आई तो उसे निदान किया जा रहा है, आपसे हमारा कन्वर्सेशन भी हो रहा है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आ रही हैं, कुछ ज़्यादा समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर समस्या है तो समाधान भी है, तो उपनिषद वही है, बात समझ में आया। ऐसा नहीं कि वेद में हो गया जो अरण हो गया ये हो गया, ऐसा भी नहीं कि अनंत सर ने पढ़ा दिया इसके आगे बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पढ़ाया, आपको थोड़ा पढ़ाया, इसके बाद कोई और टीचर पढ़ाएगा वो भी थोड़ा पढ़ाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, आप समझिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें लगातार ज्ञान का तर्क वितर्क करना चाहिए, मतलब कि लॉजिक, तार्किक होना चाहिए। ठीक है आगे,
भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जी हाँ, आपको बताना है ये किस उपनिषद से लिया गया है। मुझे लगता है कि आप आराम से बता सकते हो, सबको पता है, और ये यूपी टेट, सुपर टेट या फिर और जो है छोटे मोटे, ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये मुंडको उपनिषद है, यहीं पर एक आपका नीचे दे रखा है, इसका सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही चुना, 6 का ए होगा। यहीं पर एक कठोपनिषद है, इसमें यम और नचकेता का संवाद है। किसका संवाद है? यम और नचकेता का, पूरा नहीं लिखा है, कठोपनिषद होता है। किसका है? यम और नचकेता। इसको नोट कर लो, पेपर में आने की संभावना है। यम और नचकेता का किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। उपनिषदों के बारे में बात करते हैं, तो उपनिषद की रचना काल लगभग 1000 से 300 ईसा पूर्व है। कुल संख्या 108 बताई गई है। भारत का सर्वोच्च मान्यता प्राप्त विभिन्न दर्शनों का संग्रह, यानी कि भारत की दृष्टि से देखें तो वेदों से ज्यादा हमने उपनिषदों को मतलब महत्व दिया है। इसे वेदांत भी कहा गया है, याद रखेंगे। उपनिषद भारत में अनेक दार्शनिकों को ऋषि या मुनि कहा गया है। अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषदों को आधार मानकर और उनके दर्शन को अपनी भाषा में रूपांतरित कर विश्व के अनेक धर्मों में, विचारधाराओं में इसका जन्म हुआ। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने अंग्रेजी में पढ़ाया, कहीं दूसरी जगह दूसरी भाषाएं पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको जो शिक्षा दी, कल को आप भारत के विभिन्न राज्यों में जाओगे या और कहीं जाओगे, विभिन्न जिलों में जाओगे, तो वहाँ आप अपनी भाषा में पढ़ाओगे ना। इसी तरह तो नहीं पढ़ाओगे जैसे हमने पढ़ाया, कॉपी किया, तो आप ऐसे शिक्षा दोगे तो उसी तरीके से आप ये शिक्षा धीरे धीरे बढ़ेगी। और उपनिषदों में अगर हम लोग मुख्य बात करें तो कुल हमने 10 मेन माने, ठीक है, जो कि नाम पता होना चाहिए। ईश, केन, कठ, मांडुक, तैत्री, ऐत्रेय, छांदोग, श्वेतांसर, बृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक और प्रश्न, ये आपके मेन 10 हैं। आदि शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है उनको प्रमाणित कर, भाई आदि शंकराचार्य आपको पता है ना, सनातन धर्म के, तो इन्होंने इन्हीं 10 पे अपने बारे में ये टीका टिप्पणी की है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में आ जाता है इनमें से कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिषद में मुख्य रूप से है या नहीं है, ठीक है। सातवां है, किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई? तो ऐसा कौन सा काल है जब से ऐसा लगा कि अछूत, अछूत आज के दिन पे वही है, फिर वही अछूत कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई दूर रहो दूर रहो दूर रहो दूर रहो। तो अब देखो, ये ऋग्वैदिक काल से है, उत्तर वैदिक काल से, उत्तर गुप्त काल से, धर्मशास्त्र से। हमने आपको बताया कि जिस तरीके से आपको धीरे धीरे वेद हुआ, फिर ब्राह्मण आए, तो उसके बाद जो धर्मशास्त्र की जब रचना हुई, तो धर्मशास्त्र में जो अलग थे उन्होंने कहा कि यार हम श्रेष्ठ हैं। देखो यहाँ पे अछूत की बात अलग है और अब की बात अलग है। उन्होंने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हमको ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए तुम हमसे दूर रहो, यानी कि हमें मत छुओ। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो आपका धर्मशास्त्र काल होगा। कौन सा होगा? धर्मशास्त्र काल, यानी सातवें का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। देखते हैं डबल जो बेनिफिट है, यानी कि मंड इंड ऑफर चल रहा है, जो ये महीना खत्म हो रहा है, आज 30 तारीख है, आपको पता ही है। तो लगता है तो आप कोर्स कर ही दिए, store.adda247.com पे जाइए, और 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी होगी। आप कोई कोर्स लोगे तो 6 महीने ज़्यादा चलेगा, समझिए। मेरे को लगता है घर बैठे इससे अच्छी कोई तैयारी हो नहीं सकती, जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट भी मिल रहा हो, अच्छे टीचरों का साथ ही मिल रहा हो। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आप तुलना कीजिए, दूसरे टीचरों से तुलना कीजिए, कौन कैसे पढ़ाता है, 2-3 क्लास में आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सब लोग यानी कि बीएड बीटीसी किए हुए हैं। अगर इसके बाद भी आपको पता नहीं चलता है तो आपको और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो जाइए और जो मनना है वो कीजिए, यानी कि जो कोर्स लेना हो वो लीजिए। अब हम लोग कुछ उपनिषद देखते हैं, जैसे ऋग्वेद का है ऐतरेय उपनिषद है, यजुर्वेद का ब्रह्मांड जो है दारण्यक उपनिषद है, शुक्ल का है ईशावास्योपनिषद है, कृष्ण का है तैत्री उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतारोपनिषद, मैत्री। तो ये आपको है सामवेद का, ये है अथर्वेद का, ये तो इसमें आपसे नहीं पूछा गया। इसमें केवल एक ये पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है जिसमें आपसे आता है मांडुक उपनिषद किसके अंतर्गत आता है, तो कहोगे अथर्वेद के, ठीक है बस। और ये पूछा गया है छांदोग्य किस में आता है, तो आप कहोगे सामवेद में। देखो जो पूछा गया वही हमने निशान लगा रहे। तैत्रेय किस में आता है? कृष्ण में, यजुर्वेद में, और ऐत्रेय किस में आता है? ऋग्वेद में, बस। इससे अलावा कुछ नहीं आपका आया है। आठवां क्वेश्चन,
यत्री जो सॉरी यत्री नहीं है, गायत्री है, ठीक है, गायत्री, गा गायब हो गया है तो गा लगा लेना है, तो गायत्री मंत्र है, कौन सा मंत्र है, गायत्री, ठीक है। तो गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से हमें प्राप्त होता है ना, तो किस पुस्तक से प्राप्त होता है आप बताइए, बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका ऋग्वेद से है, किसे लिया गया है, ऋग्वेद से, तो आपका जो गायत्री मंत्र है वो देवी सावित्री को संबोधित है जो कि ऋग्वेद से इसकी संकल्पना ली गई है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये गायत्री मंत्र पता है ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आप समझिए हमको याद भी है ना, कुछ लोग पाखंडी टाइप के होते हैं, वो बोलते तो हैं पर उन्हें सुना नहीं पाते, हमको तो महामृत्युंजय मंत्र भी याद है ना, जो देखो ये मंत्र आपको, सर ये मंत्रों से कुछ होता है क्या, आप कभी कहते हो ये करो वो करो, देखो मंत्र क्या होते हैं, ध्वनि होता है और ध्वनि में क्या होता है, ऊर्जा होता है, तो जैसे कुछ चीज पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, इसी तरह मंत्र भी होते हैं, तो कुछ मंत्र वास्तव में होते हैं जिनको पढ़ने से एनर्जी आती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे लगता है करना चाहिए, है ना, आप समझो, जैसे आपका महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योमूर्छयमामृतात्। तो इस तरीके से है, ठीक है, तो इस मंत्र को करने से एनर्जी पावर आता है, तो चीजों को सीखिए, इसमें ये मत सोचो कि ये धर्म का है, किसी भी का है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, पता नहीं गर्दन में कुछ दिक्कत हो गई है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र, देखो यहां पर जैसे ही आपको आया शूद्र तो सबसे पहले हमने पढ़ाया था, आपको तुरंत याद आ रहा होगा कि शूद्र जो है वो निम्न जाति का है, है ना, यानी कि वर्णों का या हम जातियों का वर्ण यानी कि विभाजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वही होगा जब नया काम हुआ होगा, यानी कि ऋग्वेद के जो पुराने वाले मंडल में ऐसा नहीं होगा, जो कुछ पाखंडी या इस तरीके से लोग होंगे उन्होंने ये जोड़ा होगा, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, जैसे सातवां तो पुराना है, आठवां भी पुराना है, नवां भी पुराना है, तो इसका मतलब शूद्र मंडल क्या होगा, नवे से है, ठीक है, तो जो एक और दस है आप समझिए, एक और दस है ये जो मंडल है यही खराब है, क्यों, क्योंकि इसी में ही सबको अपने आप को श्रेष्ठ और ये दुनिया भर की तुम नीची जात के हो, तुम ये हो, तुम वो, ये सब जोड़ा गया है पहले और दसवें मंडल में, क्यों, क्योंकि ये नए हैं, जबकि दो से लेकर नौ में सभी को समान समझा गया है, आप समझिए सभी को समान, तो इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेद की जब रचना की गई या जिस ऋषि ने की उसकी नजर में सब समान थे, तो वो बात ज्यादा सही है ना, पहला और दसवां गलत है ना, आप समझिए, ठीक है, कुछ को लग रहा होगा नहीं सजिए तो हमारे विरोध में, विरोध में नहीं है, आप खुद ही सोचिए, है ना, आप जहां पर हैं आप खुद सोचिए, समानता आज हमारा संविधान क्या कहता है, समानता देता है ना, सभी इक्वल है, तो ऋग्वेद का दो से लेकर नौ मंडल समान है। मुक्तोपनिषद में श्लोक संख्या 30 से 39 तक है, 108 उपनिषदों की सूची दी गई है, जिनमें इन 108 उपनिषदों में से ऋग्वेद में कितने हैं, 10 हैं, शुक्ल में कितने हैं, 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद में कितने हैं, 32 हैं, सामवेद में कितने हैं, 16 हैं, अथर्ववेद में कितने हैं, 31 हैं, तो आप देख सकते हो कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद इनमें सबसे ज्यादा है, ये पेपर में नहीं आता है, हाँ ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि ऋग्वेद में कितने हैं, तो ऋग्वेद में आपके 10 हैं, ठीक है। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, यानी कि कार्यक्रम जो है समापन पे आ गया है, जी हाँ कार्यक्रम लास्ट पे आ गया है, तो कहते हैं अस्तो मा सदगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्यो माम अमृतम गमे, यानी अस्तो मा सदगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्यो मा अमृतम गमे, है ना, ये किससे लिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भाई किससे लिया गया है, आपको लगता है आप जवाब भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना, ये आपका है उपनिषद, ये कहां से लिया गया, उपनिषद, है ना, अस्तो मा सदगमे, हम हमेशा सत्य के रास्ते पे चले, ठीक है, अंधकार से दूर रहें, इस तरीके से वर्णन किया गया, पढ़ा होगा कक्षा 8, 9, 10 में, अब हम आपको यहाँ पे इसकी अर्थ बताएंगे तो ये फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये वही होगा कि मतलब सूरज को रोशनी दिखाना है ना, आप सब लोग एक सूरज हैं, आप लोग को इतना ज्ञान है कि इतना भैया नहीं बताएंगे तो दिक्कत होगा ना, समझा करो भाई, इतना तो आप लोग को आता है। ये 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन के यहाँ पे
ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हो। अब आते हैं एक बार फिर से, हमारा डबल बेनिफिट जो है ऑफर ये चल रहा है, store.adda247.com पे जाना है। और इसके बाद आ जाते हैं आज का होमवर्क, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं, ठीक है। अब हकीकत में है तो कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास मानो अब हमको लगता है कि हम आपको अच्छा कमेंट दें, यानी कि अच्छा कंटेंट दें और ज्यादा मेहनत करें। तो आपको जैसा कहा है, होमवर्क का क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करो, भले आपको आए या ना आए कोशिश किया करो, और कुछ नई चीजें हो तो वो भी जोड़ा करो। साथ में आपके तरफ से कोई सुझाव हो कि सर कुछ ऐसा पढ़ाइए, कुछ ऐसा पढ़ाइए, या आप खराब पढ़ाते हैं, आप ये ज्यादा करते हैं, आप वो ज्यादा करते हैं, जैसा भी मन में आए लिखा करो। आप ये मत सोचा करो सर को बुरा लगेगा कि भला, कोई दिक्कत नहीं, आपका कमेंट आता है वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आप सब लोग का सहयोग बहुत ही है। आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, यूज डिस्काउंट कोड Y221 का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करिए। अगर आप पहली बार टीचर्स अड्डा से जुड़े हैं तो इसे क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि तभी तो साथ बना रहेगा। अगर आपको होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको कमेंट करना है, और साथ में अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो जाके क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आनंद भारत लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।